नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता करने के लिए। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है जनहित याचिका की उपयोगिता और उसका दुरुपयोग क्या कुछ है। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करेंगे जनहित याचिका की उपयोगिता क्या है और उसके दुरुपयोग क्या कुछ हैं। और आपके सवालों का भी जवाब देने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जस्टिस दीनानाथ श्रीवास्तव, पूर्व जिला जज हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जब जनहित याचिकाओं की बात की जा रही है तो मैं आपसे जनहित याचिका के बारे में ही जानना चाहूंगा, फिर इसके उपयोगिता और इसके दुष्परिणामों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है जनहित याचिका? जनहित याचिका एक न्याय पाने का के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में ट्रेडिशनल न्याय में यह है कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वही कोर्ट के समक्ष अपनी बात कहने के लिए मुकदमा दाखिल कर सकता है। बाद में इस बात की को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम माननीय जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने महसूस किया कि बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने डिसेबिलिटी के कारण, अपने बैकवर्डनेस के कारण, अपने आर्थिक कमजोरी के कारण जी अपनी बात को तकनीकी बाधाओं के चलते, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के चलते अपने बात को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। न वो वकील रखने की क्षमता रखते हैं और न वो उनके पास इतना सक्षमता है कि वो कर सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने पहले बार इसको, अमेरिका के कंसेप्ट को इंडिया में उन्होंने बॉम्बे मजदूर कामगार सभा के केस में कहा और उसका नाम दिया सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। बाद में जस्टिस पीएन भगवती साहब ने इसको और इसको बृहद स्कोप दिया और ये कहा कि पत्र के माध्यम से भी यदि कोई न्यायालय को अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो उसके रिट पिटीशन के रूप में परिवर्तित कर उसके याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, ये तो इसकी बात हुई। अब इसकी उपयोगिता की बात, क्योंकि ये बात देखी गई है कि जनहित याचिका कई लोग उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं या फिर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको समाज में जिनकी ज़रूरत होती है और उनको दरकिनार कर दिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और क्या प्रक्रिया रहती है अगर इसको अगर दायर किया जाता है तो? ये बहुत ही एक पायस उद्देश्य के लिए इस कंसेप्ट को यहाँ पर इंडियन लीगल सिस्टम में इसको लिया गया कि जो लोग अपनी एक ग्रुप है, जैसे कस्टोडियल डेस्क के मामले, बहुत से एक्यूज जेल में वर्षों से पड़े हुए थे और उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही थी, 10-10 साल से उनकी जमानतें नहीं हुई थी। हाँ। बहुत से बाल मजदूर अपने अपने लोगों उसको प्रयोग कर रहे थे, तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप है उनको कैसे रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस के माध्यम से उनको न्याय दिलाया जाए, इसके लिए ये सिस्टम हुआ कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और उसके कुछ उन्होंने गाइडलाइंस तय किए कि भाई अगर आपके पास इस प्रकार के प्रमाण हैं कि ऐसा मामले जो जिनमें कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके संबंध में जैसे आपको याद होगा कि असम में जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए तो उन्होंने एक कानून बनाया, तो सर्वानंद सोमेवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका मानते हुए ये कहा कि इस देश में इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स को ले आकर के जो ट्रांसग्रेस किए हैं अपने यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, इस पर आकर के हमको अपने लोगों के हितों की रक्षा करना भी आवश्यक है और उसको इंटरटेन किया। यानी सर हम ये मान के चले कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा हो और या फिर एक एक सामूहिक हितों जैसे सरकार का कोई फैसला लिया गया हो जिससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा हो तो उसमें जनहित याचिका हम डाल सकते हैं। जी, उस पर जनहित याचिका डाल सकते हैं अगर कोर्ट को हम सेटिस्फाई कर ले गए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अच्छा। तभी ये इस जनहित याचिका कोर्ट उसको इंटरटेन करती है। सर कौन 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 व्यक्ति जनहित याचिका यहाँ पर डाल सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी अन्य ग्रुप के बिहाफ पर या किसी अन्य समुदाय के बिहाफ पर जो अनरिप्रेजेंटेड है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसके बिहाफ पर वो डाल सकता है। इसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हो गया कि बहुत से लोग पत्र जो है इंडिविजुअल जजेस को भेज देते थे और इंडिविजुअल जजेस उस पर एक्शन लेते थे। इस पर ये तीन जजेस की पीठ ने इस पर यह आपत्ति जताई कि यह तो किसी भी व्यक्ति को अपना फोरम चुनने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए जो कोई भी पिटीशन करता है, कोई पत्र भेजता है, तो इट मस्ट बी पुट अप बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो इसको जो है देखेंगे कि किस कोर्ट को इसको भेजना है। बाद में चल करके इसको पिटीशन का रूप दे करके क्षेत्राधिकार ही चीफ जस्टिस ने एक कोर्ट को दे दिया। ठीक है, और भी कई कई पहलू हैं जिन पर हम काफ़ी गहराई से हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। जम्मू से हमारे साथ रतन इस वक्त जुड़े हुए हैं। रतन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद आपकी कर सकते हैं? जैन साहब जी, सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं बड़ी देर से चला रहा हूँ सर, मेरी सुनवाई नहीं होती है जनाब। अर्ज ये है कि गरीब आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता है, वकील कोई मुफ्त में सलाह नहीं देता है। सर मेरा मकान बर्बाद किया है J&K गवर्नमेंट ने। अच्छा। जिसमें DC, महकमा रेवेन्यू, महकमा पुलिस सब मिले हुए हैं, सब पैसे खा रहे हैं। मेरी पार्टी जो है दूसरी, वो अपोजिट पार्टी पैसे खा देती है और मेरा मकान बर्बाद कर दिया। जिस आदमी का घर बर्बाद कर दिया, बताओ जनाब मेरा घर कहाँ? नहीं तो आपके घर पर क्या कोई केस चल रहा है, कोई उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, क्या है मामला? सर कोई मामला कुछ नहीं है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है जनाब, ना अखबार में आता है ना मीडिया में आता है। इसमें सरपंच वगैरह सब मिले हुए हैं सर, एक गरीब आदमी ने 20 लाख रुपया लगाया है। आज से सर मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, आज से 6 साल पहले का मकान बनाया, 212 का मेरा मकान रेंटल रोका हुआ है, नहीं बनने दिया, मैं कहाँ रहूंगा सर? ठीक है सर, परेशानी इनकी ये है कि कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी और इनका भरोसा यहाँ पर कानून से उठता जा रहा है जैसा कि ये कह रहे हैं, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? ये इनके लिए बुक है कि सिस्टम अगर खराब है तो भी सिस्टम के माध्यम से ही आपको न्याय मिल सकता है। इसलिए आपको सर्वप्रथम तो अगर कोई व्यक्ति आप पर अवैध कब्जा कर रहा है तो आपको पुलिस को सूचना देना चाहिए। पुलिस नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है तो आप जो है DGP को आप पत्र लिख सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्याय व्यवस्था में जाना है तो फिर आपको दीवानी मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा, न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, ये आपके लिए आवश्यक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए पते पर आप विस्तार से हमें लिख के भेज सकते हैं ताकि हमारी टीम यहाँ पर आपकी और अच्छे से मदद कर सके। अशोक हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। अशोक जी बताइए क्या मदद हम आपकी कर सकते हैं, स्वागत है आपका। केस चल रहा है, किस चीज का? फिर से बताइए। जी क्या केस चल रहा है आपका, फिर से बताइए। डाइवर्स का मामला चल रहा है मेरे बेटे का, तो उसमें फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 का म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स के लिए सेकंड मोशन बाकी है। अच्छा, 498 वाले केस में, लड़की वहां पर जाके कह रही है कि इनका चार्ज बनाया जाए। हमने 498 वाले केस में कोर्ट में उसकी 13B की कॉपी भी लगा दी। अच्छा। जज ने उसको फाइल पर ऑन रिकॉर्ड ले लिया कि उन्होंने 13B म्यूचुअल कंसेंट की कॉपी लगाई। ठीक है, तो क्या मैं अब अगली डेट पे अंडर सेक्शन 239 में FIR डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? अब हो जाएगी डिस्चार्ज? जी सर,
नहीं, एप्लीकेशन डिस्चार्ज की एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं और डिस्चार्ज पर न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय को ऑर्डर करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और न्यायालय इस बात को देखेगी कि केस में एविडेंस अगर अपर्याप्त है जिस पर कोई चार्ज नहीं बन सकता है तो आपको डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन अगर न्यायालय के पाती है कि साक्ष्य है तो आरोप बना करके मुकदमा चलेगा, नहीं आरोप सिद्ध होगा तो आप दोषमुक्त हो जाएंगे। और जी फैमिली कोर्ट में जो डाइवोर्स का है वो अगर म्यूचुअल से है तो मेरे समझ से एक बार 6 महीने की डेट लगती है और उसके बाद जो है टर्म्स कंडीशन के आधार पर डिक्री ऑफ डाइवोर्स पारित हो सकती है। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं जनहित याचिका PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक और सुमन इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुमन जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सुमन जी जी सर, हमने भी सर हमारे ससुराल वालों ने हमको मारा पीटा, घर से निकाल दिया और हमारा दहेज का सामान देख हमारे सब फरार हो गए, भाग गए सब। अभी आप कहाँ रह रही हैं? सर हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें गैर जमानती हुआ, हमारे सास ससुर दोनों रिटायर हो चुके हैं शिक्षक शिक्षिका से और सर आज तक अभी किसी भी पेश ही पे 3 साल से पेश नहीं हुए, पेश भी नहीं हुए हैं वो। नहीं सर, और शिक्षक शिक्षिका से गैर जमानती वारंट भी 2 बार जा चुके हैं उसके बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं सर, बहुत परेशानी। ठीक है जान लेते हैं, आप हौसला रखिए सर। इसमें अगर आप अपने को अगर आपने वकील रखा है तो अपने वकील के माध्यम से मैजिस्ट्रेट के समक्ष ये प्रार्थना पत्र दिलवाइए कि जहां भी एक्यूज्ड पर्सन रहते हैं वहां के SSP को एक पत्र भेजा जाए और उसके साथ वारंट संलग्न कर उनको सूचित किया जाए कि संबंधित थाने की पुलिस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है और तभी वो प्रभावी रूप से गिरफ्तार होकर वो पेश होंगे। स्थानीय स्तर पर हो सकता है कि ऐसे लोग पुलिस को से मिल करके अपनी जो है वारंट पर तामीला नहीं होने देते हैं, ऐसे में SSP या उस अगर दूसरे स्टेट का है तो वहाँ के DGP को भी पत्र न्यायालय भेज सकती है वारंट के साथ और ऐसे में गिरफ्तारी संभव होगी तभी मुकदमा आगे चल पाएगा। यानी गैर जमानती वारंट 2 बार हो गया उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, लेकिन आप जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास आप जाकर अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनहित याचिका के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, आपने बताया कि कैसे क्या इसकी उपयोगिता है। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मेरा नाम है उसामा अजीज। हाँ कहिए जी, मैं बोल रहा हूँ जी, कहिए सर। एक्चुअली जो आपने टाइटल है जनहित याचिका, तो PIL कौन फाइल कर सकता है और किसका लोकस है के फाइल कर सकता है? कौन फाइल कर PIL? हाँ हाँ, PIL कौन फाइल कर सकता है और किस कंटेंट में फाइल कर सकता है, अपना लोकस क्या दिखा सकता है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। जी सर, देखिए जनहित याचिका दाखिल करने के लिए लोकस बताना आवश्यक है, लोकस के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में के लिए आप कैसे इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप नहीं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पब्लिक कॉज के लिए आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई करते हैं कि जो हमने पिटीशन दिया है ये अपने कॉज के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए है और कोर्ट इससे अगर संतुष्ट होती है कि सम पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, तभी जो है वो कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में उस याचिका को दर्ज करेगी, अन्यथा उसको दर्ज नहीं किया जाएगा, वो खारिज कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर से एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, पूजा। पूजा स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आपकी, बताएं। सर हम ये पूछना चाहते हैं जी कि मेरी मम्मी है तो उन्होंने पिताजी ने 2 शादी किया था, तो वो अपना पूरा कब्जा करे हैं मकान में और मम्मी को उनको दे नहीं दे रहे हैं, उनके भी 2 लड़के हैं, उनके भी 2 लड़के हैं जी, और बहुत परेशान है, एप्लीकेशन भी सब कुछ दे चुके हैं, अधिकारी के पास दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, यानी आप हक चाहते हैं बराबर का, तो सर इसमें ये आप क्या कदम उठा सकते हैं,
देखिए बच्चों के लिए तो अगर पिता ने दो शादी किया है तो बच्चों के अधिकार तो बराबर है, लेकिन यदि आपकी पहली जो मम्मी है वो अपने पति के ऊपर यह मुकदमा दाखिल न की हो तो अभी भी कर सकती है कि पहली पत्नी के रहते इन्होंने दूसरी शादी किया, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। और अगर वो सेवा में है तो उनको सभी बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे अगर दूसरी पत्नी से भी हैं तो उनके संपत्ति में उनको अधिकार पाने का उतना ही अधिकार है जितना एक लीगली विडेड वाइफ के बच्चों को है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, जनहित याचिका के बारे में बात की जा रही है, कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरा एक सवाल जो था वो यहाँ पर रह गया, किसके विरुद्ध हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? आपने बताया कि कौन कर सकता है, उद्देश्य क्या है, और विरुद्ध किसके विरुद्ध कर सकते हैं? देखिए इसमें फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन, लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल जो पहले था कि जिस जो एग्रीव्ड पर्सन है वही आए जी। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं या समाज में व्याप्त हैं जिनके मामले जिनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन उनके पास सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह रास्ता उपलब्ध नहीं है कि वो न्यायालय में जा सकें। इसलिए कोई भी समाज का व्यक्ति जो ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आ रहा हो तो वह उनके मामलों को माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय के लिए यह आवश्यकता है, अब गाइडलाइन बनाई गई है कि तीन बिंदुओं पर न्यायालय को संतुष्ट होना है। एक तो जनहित याचिका जिनविन है, उसमें जो लिखा गया है वह व्यक्ति जिनविन है जिसने यह दाखिल किया है, उसके मतलब अधिकारों से जुड़ी बात हो रही है। वसीम गाजियाबाद हमारे साथ से जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से वसीम अपना सवाल रखें। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम जनहित याचिका क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी उनके खिलाफ अगर कोई वो गलत काम करते हैं उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध भी हो सकती है। सही, पॉलिटिकल पार्टी एज सच नहीं, आपको जनता के अधिकारों के उल्लंघन केस में अगर आपको लगता है कि किन्हीं भी कृत्य के किसी भी पार्टी के कृत्य के कारण या उनके द्वारा बनाए गए वो सत्ता में है, उन्होंने कोई कानून बना दिया जो जनहित को प्रभावित करता है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई जनहित याचिका नहीं दाखिल हो सकती है कि आप पार्टी ने बनाई है। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वसीम। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनहित याचिका दाखिल करने और उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? जनहित याचिका दाखिल करने के वकील की आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति है वो स्वयं भी दाखिल कर सकता है। अगर वो एडवोकेट है, बहुत से एडवोकेट्स ने एनजीओ बना रखे हैं, बहुत से जैसे एमसी मेहता साहब ने एनवायरमेंटल में केस में बहुत से मुकदमे दाखिल किए, एक सोशल कॉज लिटिगेशन के लिए एनजीओ बनी, उन्होंने बहुत से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, तो वो एनजीओ भी दाखिल कर सकता है, आम आदमी कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं जाना चाहूंगा, आपने बताया कि इसकी उपयोगिता तो बहुत है और कई लोगों को हक भी मिला है और ये हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में, लेकिन सर मिसयूज भी इसके काफी हो रहे हैं, इसके दुष्परिणाम भी काफी देखने को मिल रहे हैं और कोर्ट का वक्त भी जाया करते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ सख्ती यहाँ पर की गई है, क्या नियम है? देखिए अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दाखिल करने के गवर्निंग के लिए कोई नियम नहीं बनाया है, इसलिए लोग जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये ओवर द इयर्स इसको कहा जाने लगा कि नाउ इट हैज बिकम ए सम टाइम्स इट हैज बिकम ए प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो पास उद्देश्य से बनाया गया था उसका बनाया तो गया ये वीकर सेक्शंस के लिए, लेकिन बाद में रिच पीपुल ने इसको इस रेमेडी को हाईजैक कर लिया, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस ही केवल पीआईएल वकील के नाम से जानी जाती है, और उन्होंने पीआईएल दाखिल वो करते हैं, बहुत से मामले ऐसे भी कोर्ट के प्रसंज्ञान में आए कि जिस व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के टारगेट करके बनाया गया और व्यक्ति विशेष ने कैसे बाद मिल गए वो जनहित याचिका वापस भी ले ली गई। बिल्कुल, और इसके यही दुष्परिणाम कुछ निकल के सामने भी आए हैं, हाल ही अगर दो दिन पहले की बात की जाए जहां प्रशांत भूषण के एनजीओ सीजेआर पर 25 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया गया था। हमारे साथ गुड़गांव से वीरेंद्र एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र जी बताइए आपका सवाल, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? नमस्कार जी, नमस्कार, सवाल रखें अपना।
हाँ जी, मेरे एक सवाल है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, और मैं विकलांगों के लिए पिछले 20 सालों से लड़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत। और विकलांगों को उनका राइट्स नहीं मिल रहा, हमने एमसीडी कमिश्नर से लेके प्रधानमंत्री तक को लिख दिया है, मगर हमें आज तक उसकी कोई रिप्लाई नहीं मिली और ना ही कोई उस पर एक्शन हुआ। जो विकलांग नहीं है उनको वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अच्छा। और उसकी जो कमाई है वो कॉर्पोरेशन वाले खा रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या हम PIL लगा के उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं या और कोई सलाह आप दीजिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सुझाव आपको दिया जाएगा। तमाम कोशिश कर लिए, जवाब मांगिए लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। हक किसी और को मिल रहा है विकलांगों का। अब ये चाहते हैं क्या इसमें PIL लगाई जा सकती है या क्या किया जा सकता है? ये बिल्कुल फिट केस है PIL का। और इसमें अगर किसी सरकार ने विकलांगों के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई है तो आप उनको नीति बनाने के लिए PIL दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट अपने एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा ऑर्डर कर सकती है कि गवर्नमेंट ऐसी नीति बनावे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करे जिससे कि सभी विकलांगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा व सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जरूर जवाब मिला होगा। तो जनहित याचिका की जब बात करते हैं तो बेहद जरूरी है कि इसमें सभी के अधिकारों की बात होनी चाहिए, मौलिक अधिकार की बात, लेकिन सभी वर्ग के हित की बात भी यहाँ पर होना चाहिए कि अगर आपकी कोई याचिका आप लगा रहे हैं तो वो जनता के हित के साथ जुड़ी हुई हो। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।